राहुल गांधी ने मोदी सर ने मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने बीती 7 जुलाई को मोदी मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट राहुल की सजा पर लगाएगा रोक? देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने मोदी सर ने मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इससे पहले गुजरात में कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने और उन्हें सजा दिलाने वाले बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक केवियट दायर की थी। दरअसल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी थी। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी है? इसी को लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी साल 23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल को अपना सरकारी घर भी खाली करना पड़ा था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल को झटका देते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है, ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।